मैम क्या नाम है आपका? मनदीप कौर इंसान। क्या नाम है बेटा आपका? मुस्कान। पूजा। मेरा नाम सुखमनदीप कौर है। कितना साल हो चुके हैं आपको डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए? मुझे 30 साल हो गए। मुझे हम जब मैं 1 साल की थी तो हमारे पेरेंट्स यहाँ पे आए थे जी। तो जहाँ पे हम आज रह रहे हैं जैसे इस कॉलोनी में, तो जब मैं 1 साल की थी तब हम आ गए थे और आज मैं 17 साल की होने वाली हूँ। 27 ईयर्स हो चुके हैं डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए। कितने साल हो चुके हैं आपको और आपकी फैमिली को डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए? हमें ना 15, जब से मैं पैदा हुई हूँ हम तभी से डेरे में आ रहे हैं, बल्कि उससे पहले ही हम डेरे में आ रहे हैं। गुरुजी के अभी केसेस चल रहे हैं, उन केसों के अंदर आप कितनी सच्चाई देखते हो? जो उन्होंने फैसला सुनाया ना, ये सरासर गलत सुनाया है, क्योंकि हम खुद डेरा में रहते हैं और मुझे 30 साल हो गए गुरुजी से जुड़े हुए और 20 साल हो गए डेरे में रहते हुए। जो डेरे के पास कॉलोनी है वहीं पे रहते हैं हम, तो हमें कोई भी ऐसी बात नहीं लगी जो उन्होंने बताया गुरुजी ऐसा करते हैं ऐसा किया गुरुजी ने। सच्चाई मतलब जो चीज़ें बताई जा रही हैं, अगर हम मीडिया देखें, अगर हम जो फैसले आ रहे हैं, जो डिसीजंस आ रहे हैं कोर्ट के द्वारा, अगर हम उन सभी चीज़ों को देखें तो मतलब वो सभी चीज़ें तो फेक लग रही हैं। ये जो भी इस केस जो भी हैं सब झूठे हैं, जो भी इसमें जो भी आरोप लगे हैं वो भी सब झूठे हैं। जो पिताजी पे इल्ज़ाम लगे हैं वो सारे झूठे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा और पिताजी जल्दी से जल्दी बाहर आएंगे। क्या नाम भाई थोड़ा? मेरा नाम भाई कृष्ण सिंह है जी। रतनदीप। क्या क्वालिफिकेशन आपकी? हाँ जी, मैंने बीटेक किया है, अभी मैं एक इंजीनियर हूँ एक एमएनसी के लिए। जी क्या नाम है आपका? जी सुनीता। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? जी बीएससी एग्रीकल्चर। कितने साल हो चुके हैं तुम डेरा सच्चा सौदा ना जुड़े हुए हैं? डेरा सच्चा सौदा जुड़े था मैं बचपन तो 15 साल का जी, पर नाम शब्द मैंने 1980 के जनवरी 1 में लिया। तो गुरु जी के उत्ते हम केसेस चल रहे हैं, इन्हें कितनी की सच्चाई तुम मानते हो? मैंने तो ऐसा लगता है भी 1% भी नहीं है भी सच। मैं तो बचपन में देखा मेरे बच्चे मेरिया बेटियाँ मेरा परिवार मेरे बापू चाचे ताए सारे जुड़े थे, ऐसा कुछ नहीं देखा भी जो मैं ऐसा कित। सू तो बहुत ही वधिया ऐसा मतलब शिक्षा मिली है जी, सारी जिंदगी बहुत वधिया अच्छी तो अच्छी जुड़ गई। तो किसी भी इंसान के बारे में बताने के लिए सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड वो इंसान होता है जो उसके साथ में रहा हो, जिसने उसको काफ़ी टाइम से देखा हो जाना हो। तो हमने यहीं के इंस्टीट्यूट्स में अपनी पढ़ाई करी है पूरी, यहीं पे हम बचपन से पले बड़े हैं, तो हमने गुरुजी को काफ़ी नज़दीक से देखा है जाना है। और जो टीचिंग्स हमको यहाँ मिली हैं, अगर मैं आज गुरुजी से नहीं जुड़ी होती तो आई वुड हैव बीन टू इनटू सम विलेज जहाँ पे मेरी शादी जल्दी हो चुकी होती, मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, मुझे अपने राइट्स का नहीं पता होता, मैं अवेयर नहीं होती। जिस बंदे ने ये आरोप लगाया है वो बार बार जैसे अपनी गवाही से 2 बार मुकर गया, जो भी जैसे पहले गवाही देते हैं तो उस पर विद्या पे जो भी कसम खाते हैं, तो उससे उसने 2 बार कसम खा के झूठी कसम खा के वो गवाही से मुकर गया, तो उसका कैसे बिलीव कर सकते हैं हम उस बंदे पे? The common people who are the watching this video, what do you think the what is impact on their lives if the Guruji came out? सर देखिए, इम्पैक्ट तो ऐसा है कि सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूअर जनरेशन, तो गुरुजी थे तो हम देखते थे कि छोटे छोटे बच्चों को पता होता था कि कचरा बाहर नहीं डालना है, बेसिकली डस्टबिन में डालना है। तो आज हम जब अपने आसपास ऐसे बच्चे देखते हैं जो छोटे बच्चे हैं, उनको कोई सिखाने वाला नहीं है। अब घर वालों से बेसिकली ये गाइडेंस आती है, लेकिन घर वालों को भी हमारे लिए सिखाने वाले गुरुजी थे। तो अभी वी सी कि वो छोटी छोटी डिटेल्स अभी जो नई जनरेशन जो आई वुड से कि 4-5 साल के बच्चे हैं उनमें से ये शिक्षा अभी से मिसिंग हम देख रहे हैं। इसके बीच ये फ़र्क हुआ जी, 100% ही जिन्ने लोग नशे कर रहे उन नशे से मतलब एकदम पाबंदी लगेगी, जो नौजवान पीढ़ी है वो सतगुरु नाल जुड़ेगी। केस है जब हाई कोर्ट में जा रहा है तो हाई कोर्ट से क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या उम्मीद है आपको जो कानून से? हमें यही उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा वहाँ पे जाके, हमारे गुरुजी भी इस पे बिलीव करते हैं।